दोस्तों क्या हाल है आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे तो दोस्तों आज के रिश्ते की तरफ जाने से पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए तो दोस्तों आज जो रिश्ता मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बड़ा अहम जो है ये रिश्ता है तो इसे इस जरा गौर से सुने वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जिनकी उम्र पैंतालीस साल तक हो और वो चाहते हों पहली या दूसरी शादी करना तो जो ये ख़ातून है इनका नाम है आरजू बीबी इनकी उम्र चालीस साल है और ये एक तलाक़ याफ्ता खातून है दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी मुसलमान हैं फिर का सुन्नी है इनकी कास्ट जो है ये चौहान है इस वक्त जो है ये आरजू बीबी लाहौर सिटी में रहती हैं अपने जो है पेरेंट्स के घर पे कि अपनी फैमिली के साथ तो आरजू बीबी जो है ये पढ़ी लिखी खातून हैं इनकी तालीम जो है एल इन्होंने किया हुआ है यानि कि वकील जो है ये का कोर्स इन्होंने किया हुआ है फिलहाल वकालत तो नहीं करती तो जो है इस वक्त जो है ये ट्यूशन जो है वो पढ़ाती हैं इन्होंने जो है वो अकेडमी टाइप जो है बनाई हुई है तो बच्चों को पढ़ाती हैं जो जिससे जो है ये अच्छा खासी जो है आमदन जो है इनकी है जिससे जो है ठीक ठाक ये कमा लेती हैं तो आरत बीबी जो हैं वो चाहती हैं कि दूसरी जो है दोबारा से शादी कर लें तो इसी सिलसिले में जो है इनको किसी ऐसे रिश्ते की तलाश है कि लड़का जो हो उसकी उम्र पैंतालीस साल तक हो इसे ज्यादा ना हो और वो चाहता हो पहली या दूसरी शादी करना तो वो बात जो है हमारे दोस्त ये जो है जरा गौर से सुन लें जो इनसे रहा करना चाहते हैं कि या तो मर्द जो है या तो वो कमारा हो लड़का यानी कि या फिर वो जो है अः तलाक याफ्ता हो या फिर रंडवा हो यानी कि इन तीनों सूरतों में जो है आप इनसे रहा कर सकते हैं लड़का जो है किसी भी ज़्यादा बरदरी से हो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो या बैरून मुल्क जॉब वगैरह के सिलसिले में जो है रहता हो वो इनसे राता कर सकता है तो वो हमारे दोस्त चाहते हैं इनसे रबता करना इनसे मिलना वो बर महरबानी अपनी तमाम तरह तफसी के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें हम इन शाला बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाज़त दें अल्ला हाफिज़